नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में इस साल हो रहे पंचायत चुनाव के बारे में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ईवीएम से जुड़े हुए कई अलग चीज़ों के बारे में। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि पहली बार इसमें नोटा का बटन नहीं होगा। इससे पहले हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ईवीएम में नोटा का बटन दिया गया था, लेकिन इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में नोटा का बटन नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है और 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। कोई भी बता दें कि देश में यह पहला बार ऐसा होगा जब पंचायत चुनाव में ईवीएम के साथ साथ बैलेट बॉक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी बताते चलें कि इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में नोटा के चिन्ह को हटा दिया गया है। इससे पहले होने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में चिन्हों का जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है। जिस किसी भी मतदाता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है वो नोटा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में नोटा का बटन हटा दिया गया है। वहीं अगर हम पंचायत चुनाव में मतदाताओं की जागरूकता की बात करें तो इसमें जिला प्रशासन स्तर पर बहुत तेजी नहीं देखी जा रही है। इस बार का पंचायत चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार ईवीएम के साथ ही साथ बैलेट पेपर के माध्यम से भी मतदान होना है। पंचायत चुनाव में एक साथ 6 पदों के लिए मतदान होता है, जिसमें से 4 पदों पर ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा तो वहीं 2 पदों के लिए बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में जिला प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग को यह चाहिए कि वह मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके ताकि मतदान के दिन वोटरों को किसी तरह की कोई दिक्कत या फिर परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया जारी है और पहले और दूसरे चरण की चुनावी प्रक्रिया आखिरी दौर में पहुंच गई है। बता दें कि इस बार बिहार पंचायत चुनाव 11 चरणों में होना है और इसकी शुरुआत जो है 24 सितंबर से होगी और इसका अंत जो है 12 दिसंबर को होगा, यानी कि आखिरी चरण का जो चुनाव होगा वह 12 दिसंबर को होगा। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होगा, जिसमें 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान डाले जाएंगे। बता दें कि पहले चरण में 15,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने जो है अपनी भागीदारी दिखाई है। वहीं दूसरे चरण का नामांकन भी समाप्त हो गया है। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव होना है। इसके साथ ही साथ तीसरे चरण का नामांकन की प्रक्रिया जारी है। तो ऐसे में इस समय की जो है सबसे बड़ी खबर यही निकल के सामने आ रही है कि इस बार जो है ईवीएम में नोटा का बटन जो है वो नहीं होगा। नोटा का बटन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन सारे उम्मीदवारों में से किसी न किसी को कोई व्यक्ति अगर पसंद नहीं है, उसमें से कोई भी पसंद नहीं है तो जो है वो नोटा का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो है इस तरह के प्रयोग किए जाते रहे हैं। लेकिन बिहार में इस साल हो रहे पंचायत चुनाव में ईवीएम में जो है नोटा का बटन या फिर बैलेट पेपर में जो है नोटा का बटन नहीं दिया गया है, नोटा का चिन्ह ही हटा दिया गया है। इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में जो है ईवीएम के माध्यम और बैलेट पेपर के माध्यम से पंचायत चुनाव होगा, जिसमें नोटा का जो है चिन्ह जो है हटा दिया गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।